हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 3 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 11 ले रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोड। मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप स्टैंडर्ड 10th में सीख कर आए हो। सेम हमें आगे कंटिन्यू करना है मोड को। सो मोड समझने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 114 निकालेंगे। पेज नंबर 114 वहां पर देखिए मोड में क्या दिया हुआ है। मोड की कुछ फॉर्मूला दी हुई हैं रॉ डेटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज रॉ डेटा। रॉ डेटा में कैलकुलेट होता है जो मोड वो होता है एम ज़ीरो या एम ओ भी लिखते हैं इसे। आप लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 10th में इसे जेड लिखते थे, मोड को जेड लिखते थे। सो अभी आपको एम ज़ीरो लिखना है। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच गेट्स रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वो वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो। सपोज़ करो कि एक बिजनेस है, उसका सेल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 6 डेज का जो उसका सेल है, मंडे है 5000, ट्यूसडे 6000, वेडनेसडे 5000, 7000, 4000 एंड 5000, ऐसा उनका रोज का सेल हो रहा है। अब अगर कोई पूछे कि इस बिजनेस का जो सेल है, जो भी ये सेल्स कर रहे हैं एवरीडे, उस सेल का मोड क्या होगा, तो हम लिखेंगे मोड। देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो हो रहा है 5, तो मोड क्या हो जाएगा 5। और ये हमने मोड किसका कैलकुलेट किया, रॉ डेटा का। तो जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है रॉ डेटा में, उस नंबर को मोड कहा जाता है, उस डेटा का मोड कहा जाएगा। तो रॉ डेटा में आपको जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हों उसे हम मोड कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब डिस्क्रीट में आपको क्या दिया होता है, एक एक्स की वैल्यू होती है और दूसरा एफ का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने आने वाला जो एक्स का वैल्यू होगा वो मोड हो जाएगा। एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये मोड का फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी। यहाँ पर आप 10th में एफ ज़ीरो लिखते थे, शायद एफ ज़ीरो एफ वन ऐसा लिखते थे, अभी आपको ये वर्ड फॉर्मूला यूज करनी है। सो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये लॉन्ग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसकी कंडीशन है कि कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब इक्वल क्लास लेंथ होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है, अनइक्वल होगी मीन्स इक्वल क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे कि 10 to 20, 20-30, 30-40, देखो सबका लेंथ एक जैसा है तो इसे इक्वल क्लास लेंथ बोलते हैं। नाउ अनइक्वल क्लास लेंथ कैसे कहेंगे, तो अनइक्वल क्लास लेंथ में ऐसा लेंथ दिया होगा आपको 10 to 15, 15 to 25, 25 to 45। देखिए 10 to 15 5 का गैप है, 15 to 25 10 का गैप है, 25 to 45 20 का गैप है।
तो ये अनइक्वल क्लास लेंथ है, अनइक्वल क्लास लेंथ होगा तो हम मोड कैलकुलेट करेंगे 3m माइनस 2x बार। यहाँ पर आप लास्ट ईयर ऐसा लिखते थे z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, अब हम लिखेंगे मोड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। एक्चुअली ये जो साइन है मोड का और z दोनों की मीनिंग एक ही होती है, ठीक है। सो पहले हमने रॉ डेटा देखा, देन कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी, सॉरी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, नाउ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में सिर्फ आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि अगर इक्वल क्लास लेंथ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अनइक्वल क्लास लेंथ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। नाउ आइए आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो हमें मोड के लिए करनी है एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 निकाली, एक्सरसाइज 3.5 करेंगे हम। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 109। द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ IQ लेवल। मॉडल वैल्यू मीन्स मोड कैलकुलेट करना है, अंडरलाइन करके लिख लो, मॉडल वैल्यू मीन्स मोड कैलकुलेट करना है। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट नंबर इज 146, सेकेंड इज 134, फिर थर्ड 143, सारे नंबर्स एक बार देखिए और मुझे बताइए कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या बार बार। ध्यान से देखिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, मिला कोई नंबर रिपीट हो रहा है? तो 138 देखो रिपीट हो रहा है, और 138 कितनी बार दिया हुआ है, तीन बार दिया हुआ है। और कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ 138 रिपीट हो रहा है। अगर और कोई नंबर, ये तो 138 थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट और कोई नंबर सपोज करो टू टाइम्स रिपीट हो रहा है तो भी हमारा मोड तो 138 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये रॉ डेटा है, 138 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में, इन द गिवन डेटा ऑब्जर्वेशन 138 रिपीट्स थ्री टाइम्स, 138 रिपीट्स थ्री टाइम्स, देयरफोर मोड इज इक्वल्स टू 138। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें रॉ डेटा में लिखना है, क्या लिखना है, इन द गिवन डेटा ऑब्जर्वेशन 138 रिपीट्स थ्री टाइम्स, देयरफोर मोड इज इक्वल्स टू 138। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूरा हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। लेक्चर को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।
आप मोस्टली ध्यान दीजिएगा, जब मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ करता हूँ। जब भी मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है आपको वो लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। और हमेशा आपको 11th 12th या जब भी आप कॉलेज में हैं, अकाउंट्स और स्टैट्स में सारी लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड ईच डे एट अ बेकरी, फाइंड द मोड फॉर सेल ऑफ केक्स। एक बेकरी में केक सेल हो रहे हैं, कितने केक सेल हो रहे हैं? तो ये देखिए, पहले दिया हुआ है 10 केक्स। 5 दिन ऐसे हैं जब 10 केक सेल हुए, नाउ 12 डेज ऐसे हैं जब 9 केक सेल हुए। सो 10, 12, 13, 16, 17 एंड 18, देन 5, 9, 25, 16, 10 एंड 7। अब ये हमें x की वैल्यू दी हुई है, ये f का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो डेटा है, कौन सा डेटा दिया हुआ है? तो आपको जब भी x के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो उसे कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में आप फॉर्मूला में देख कर आए हो। डिस्क्रीट डेटा में हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या था हमारा फॉर्मूला डिस्क्रीट डेटा में मोड कैलकुलेट करने का? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो होगा हमारा मोड। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मोड इज इक्वल्स टू वैल्यू अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 5, 9, 25, 16, 10, 7। तो मैक्सिमम नंबर ये है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है। सो इस फ्रीक्वेंसी के सामने आने वाला जो x का वैल्यू है, दैट इज आवर मोड। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया हमारा आंसर मोड का, जब हमें क्वेश्चन में डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ हो। तो पहले हमने किया रॉ डेटा, अब ये क्वेश्चन 2 में हमने किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यहाँ पर भी लेक्चर को रोककर पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे कंटीन्यूअस डेटा में मोड कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखेंगे। नेक्स्ट हम कंटीन्यूअस में एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक्सरसाइज 3.5 के 6 के 6 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, बट पहले हमने रॉ डेटा सीखा क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में डिस्क्रीट देखा। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंटीन्यूअस सीरीज दी हुई है, और कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना होता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो टेबल दिया हुआ है वो एज इट इज़ बनाना होगा, और वहाँ पर हमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करनी होगी। तो पहले मैं टेबल बना लेता हूँ एंड देन क्लास एंड फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेते हैं। सो पहले वेट दिया हुआ है, वेट
ऑफ एप्पल, और वो वेट कैसे दिया हुआ है, इन ग्राम दिया हुआ है, एंड देन नंबर ऑफ एप्पल एप्पल्स दिया हुआ है. और वो दिए होगी हमारी फ्रीक्वेंसी. तो पहले मैं लिखूंगा 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190. सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 13, 19, 23, 10, 8 and 5. इतना डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ अब हमें मोड कैलकुलेट करना है, वो भी कंटिन्यूस सीरीज के लिए. तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए जब भी हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप जो देखना होगा वो देखना होगा कि ये जो क्लास है वो इक्वल क्लास लेंथ है या अनइक्वल क्लास लेंथ है. अगर इक्वल क्लास लेंथ होगी तो उसके लिए मेथड अलग है, और अगर अनइक्वल क्लास लेंथ होगी तो उसके लिए मेथड अलग हो जाएगा. तो क्लास लेंथ देखिए 120 टू 130, 130 टू 140 सब इक्वल क्लास लेंथ दिए हुए हैं. अब जब भी इक्वल क्लास लेंथ दी हुई हो तो हमें मेथड कौन सा करना है वो देखिए. सबसे पहले हम मोड क्लास कैलकुलेट करेंगे. सो मोड क्लास इज इक्वल्स टू, मोड क्लास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोड क्लास होगा क्लास अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अब इस फ्रीक्वेंसी में देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी दी हुई है आपको, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 23, और 23 के सामने जो क्लास दिया हुआ है वो कौन सा है, तो वो क्लास है 150 से लेकर 160. ये हमारा स्टेप वन कंप्लीट हुआ, पहले हमने मोड क्लास कैलकुलेट किया. अब मोड क्लास कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी वैल्यूज़ कौन सी होने वाली हैं. तो देखिए मोड क्लास जो होता है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, ये होता है FM. उसकी अपर फ्रीक्वेंसी मीन्स या प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो उसे कहेंगे F1, और उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी F2. तो ये देखिए ये फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं. तो नाउ मोड का फॉर्मूला क्या होगा, सो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस, मोड का फॉर्मूला कौन सा है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C. यह है मोड का फॉर्मूला व्हेन इक्वल क्लास लेंथ इज गिवन. सेम फॉर्मूला आप लास्ट ईयर कर आए हो, बट वहाँ पर क्या था, F0 यूज़ करते थे आप, F1 F0 ऐसा यूज़ करते थे, यहाँ पर आपको ये यूज़ करना है. नाउ L मीन्स वॉट, L मीन्स लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द क्लास, मोड क्लास. अब इन दोनों में से लोअर बाउंड्री पॉइंट कौन सा होगा, 150. प्लस FM एंड F1 मैंने सारी वैल्यूज आपके सामने लिख दी हैं. FM की वैल्यू क्या है, तो FM की वैल्यू है 23 माइनस F1 की वैल्यू है 19 डिवाइड बाय 2 into FM, that means 2 into 23 minus F1 19 minus F2 10.
इंटू सी, सी दैट मीन्स क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना है इनका 10 का, 10 मीन्स 160 माइनस 150 वैल्यू होगी 10। नाउ अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करना है। 150 प्लस 23 माइनस 19 तो आंसर होगा 4 डिवाइड बाय 23 इंटू 2 46 माइनस 19 माइनस 10 एंड इंटू 10 तो रहेंगे। नाउ 150 प्लस नाउ 10 इंटू 4 तो आंसर हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 46 माइनस 19 माइनस 10 तो ये आंसर आएगा 46 में से 29 माइनस करेंगे 46 माइनस 29 तो आंसर हो जाएगा 17। सो फाइनली 150 प्लस 40 डिवाइड बाय 17 तो ये आंसर है 2.35। सो 152.35 ग्राम मोड हो जाएगा एप्पल का। तो ये देखिए हमने एक्सरसाइज 3.5 में तीन क्वेश्चन किए, एक रॉ डेटा कवर किया, दूसरा डिस्क्रीट कवर किया और तीसरा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में दो पॉइंट थे, एक इक्वल क्लास लेंथ और दूसरा अनइक्वल क्लास लेंथ। तो यहाँ पर इक्वल क्लास लेंथ कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम अनइक्वल क्लास लेंथ भी सीखेंगे, इसी में ही सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 कवर हो गया। नाउ आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूँ मैं। नाउ नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। कमेंट ऑन द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग द टाइम टेकन इन सेकंड फॉर 8 कॉम्पिटिटर्स इन अ रनिंग रेस। 8 कॉम्पिटिटर्स ने रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया है, उसका मोड कैलकुलेट करना है। नाउ रॉ डेटा दिया हुआ है आपको, रॉ डेटा में रूल्स क्या हैं, तो रॉ डेटा में जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है हम कहते हैं वो हमारा मोड है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। है कोई नंबर जो रिपीट हो रहा है? कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है एक स्टेटमेंट में, चलिए लिखिए वो स्टेटमेंट, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखिए अपनी नोटबुक में, मोड ऊपर हेडिंग दीजिए मोड, फिर नीचे आइए। अब स्टेटमेंट में देखेंगे लिखेंगे कि यहाँ पर
कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहां पर हम लिखेंगे हेयर नो ऑब्जर्वेशन रिपीट्स, हेयर नो ऑब्जर्वेशन रिपीट्स, देयरफोर मोड कैन नॉट बी फाउंड, मोड कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन, बट इट कैन बी फाउंड, इट कैन बी फाउंड यूजिंग यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा है? मोड इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोड कैलकुलेट हो सकता है बट कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इतना ही हम आंसर यहाँ पर लिखेंगे और ये सब पूरा कर देंगे। नाउ आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में रॉ डेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रीट एंड क्वेश्चन नंबर 5 में कंटिन्यूस देखा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये देखा कि जब भी हमें रॉ डेटा दिया हो और अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ आगे आज का होमवर्क देखेंगे। नाउ आज के होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए, इलस्ट्रेशन 29, इलस्ट्रेशन 29, 30, एंड 34। आज का होमवर्क इलस्ट्रेशन 29, 30, 31 and 34 ये इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं। इलस्ट्रेशन आप मुझे रेगुलर जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो रेगुलर आप ग्रुप में भेजते रहेंगे, मैं आपको चेक कर कर बताऊँगा। सो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.5 के 4 सम कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बाकी के 2 सम करवाऊँगा और यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।